लो इनकम वाले, उनको ये डर नहीं होता कि वो क्या खो देंगे, उनके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, और वो बड़े से बड़ा रिस्क ले जाते हैं, बड़े से बड़ी कोशिश कर लेते हैं, बड़े से बड़े अटेम्प्ट कर लेते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो मिडिल इनकम ग्रुप है, जो मिडिल क्लास है, वो अपने उस महीने के चक्कर में ही, उस चक्रव्यूह में फंसी रहती है कि अगर मैंने रिस्क लिया तो मेरी ये मंथली तनख्वाह भी बंद हो जाएगी। अब करना क्या है? मिडिल क्लास अगर चाहती है अपर क्लास में जाना, अगर मिडिल इनकम ग्रुप वाले चाहते हैं अपर इनकम ग्रुप वाले जाना, तो उसमें जाना, तो उनको भी रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क कैलकुलेटेड हो सकता है। आप आने वाले 12 महीने की अपनी तनख्वाह को गिन लीजिए और देखिए कि अगर आप रिस्क लेते हैं तो ये पैसा मेरे पास सिक्योर्ड है। अगर आपके पास आने वाले एक साल के लिए रोटी सिक्योर्ड है, अगर आपके बैंक में इतना इंतजाम है या आपके घर में ऐसी सेविंग पड़ी है, सोना पड़ा है, कुछ ऐसा पड़ा है, तो फिर उसके बाद अटेम्प्ट कर लीजिए, बड़े से बड़ी कोशिश कर लीजिए, कुछ भी बनने के लिए ट्राई कर लीजिए। फेल होने के चांसेस तो हैं, फेल होने के चांसेस तो लो क्लास वाले के पास भी थे, तो फेल होने के चांसेस तो आपके पास भी हैं। लेकिन अगर आपने कोशिश कर ली तो चांसेस हैं कि आप अपनी क्लास से बाहर निकल के अपर क्लास में पहुंच जाओगे, और अगर आपने कोशिश नहीं की तो आप मिडिल क्लास में बैठे रहोगे। इसका मतलब कि अगर आपने कोशिश कर ली तो या तो आप कामयाब हो जाओगे या फेल हो जाओगे, और अगर आपने कोशिश नहीं की तो फेल हो ही हो। मिडिल क्लास की सिक्योर्ड इनकम, आपकी सैलरी की सिक्योर्ड इनकम, आपकी दुकानदारी की सिक्योर्ड इनकम, आपके प्रोफेशन की सिक्योर्ड इनकम आपको भूखे मरने नहीं देती और आगे बढ़ने नहीं देती।